टीम फ्यूचर स्टेशन की बात करें, उनके प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन पर ये सर्कल आ चुका है। टीम MYM का यहाँ पे एक एनक्लोजर में देखने को मिलता हुआ, तो तीन टीम्स अभी के लिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए फाइट करते हुए। मीनवाइल TSM के जो प्लेयर्स है वो भी यहाँ पर आएंगे। क्लच गॉड काफी ज्यादा ओपन में, डॉट SP सर्वाइविंग, इनफैक्ट वो जो हेल्थ है वो दिख भी नहीं रही है इनकी। जल्दी से अपने आपको हील जरूर से करने के लिए जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, बिकले स्मोक का एक कवर बना रहे हैं। इमरान हाशमी AKA जी गॉड का जो किल है वो जाएगा सिक्योर। काफी क्योटिक गाइस से फाइट हमें देखने को मिलती है। MYM के सेंसिटाइज जेल इज डाउन, सो टीम MYM वर्सेस टीम फ्यूचर स्टेशन एक वो फाइट भी हमें देखने को मिल रही है। जहां जाएंगे कितना देर से पहुंच पाएंगे वो एक देखने वाली बात रहेगी। मीनवाइल बात की जाएगी टीम MYM की, पंख OP अभी के लिए जोन को आउटरन करने में कामयाब हो चुके, बट अब एक कॉर्नर में आ चुके गाइस। जहां भी जाएंगे वहां पे जोन का डैमेज जरूर आएगा। और ये लीजिए पोजीशन एक बार देखिए इनकी, काफी ज्यादा टफ पोजीशन। इमॉर्टल यहां पर थोड़ा सा अग्रेसिव स्टैंड दिखाते हुए पंक हो जाएंगे डाउन। साइरस एंड इमॉर्टल अदर टू प्ले स्टैंडिंग, मल्टीपल ग्रेनेड्स आ रहे। टीम फ्यूचर स्टेशन को आप उनके प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन पे आकर के चैलेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर से रहने वाला। टीम MYM अभी के लिए टोटली बैकफुट पर, इमॉर्टल बीइंग द लास्ट होगा, लास्ट मैन स्टैंडिंग। 4/3 इनके पास बचेंगे मेरे ख्याल से। टीम फ्यूचर स्टेशन यहां पे ज्यादा देर करेंगे नहीं और शायद ये जो स्क्वाड वाइप है वो हमें देखने को मिल जाए। मीनवाइल यहां पर टीम स्टारवर्ड ईस्पोर्ट्स के जो रॉबिन है वो कुछ एक्शन दिखाते हुए जहां पर मुश्किल उन्होंने बढ़ाई है अभी के लिए। अच्छो मुलाज जो हो जाएंगे नॉकआउट। बात की जाएगी TSM की तो वो भी यहां पे क्लोजिंग करेंगे। नियो ने यहां पर कुछ बढ़िया नॉक निकाले, एक 1v2 जरूर से करते हुए नजर आएंगे। जो किल है वो भी कर लेंगे सिक्योर। एंड TSM के नियो इनफैक्ट यहां पर तीन किल से उन्होंने निकाले गाइस, एक 1v3 में जरूर से देखने को मिल जाएगा। रिवाइवल इज समथिंग दैट ही विल बी एमिंग फॉर। क्लच गॉड को रिवाइवल मिलते ही वापस से 3 प्लेयर स्टैंडिंग हमें TSM देखने को मिल जाएंगे। अब शिनचैन इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, जॉनथन की तरफ जाएगा वो ग्रेनेड। क्या कनेक्शन बनाएगा, कनेक्शन बनाए पर नॉक निकालने में अभी के लिए सक्षम नहीं रहेंगे। एक और ग्रेनेड जो है वो कुक करके जरूर से स्पैम करना चाहेंगे। तो अभी के लिए गाइस एक 3v4 का सिनेरियो, तो जहां पे TSM का काफी स्ट्रांग ये परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। मल्टीपल ग्रेनेड जाएंगे नियो की साइड से, दिस विल बी द डिसाइडर वन। क्लच गॉड कमिंग अप विद दैट ग्रेनेड। और इसी के साथ नियो ने गाइस यहां पर एक 1v3 जरूर से कराया। टोटल 8 किल्स निकाल चुके हैं। अगर हम बात करें TSM की तो फ्यूचर स्टेशन की जो फाइट है वो रिशूट हो चुकी है। पंक को भी यहां पर मौजूद है क्लोज रेंज कॉम्बैट में 2v4 का सिनेरियो। इमॉर्टल जो है वो सोलो मैन स्टैंडिंग बचेंगे। किल उनका भी यहां पर कैपिटलाइज करना ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं। हालांकि अभी के लिए एक हील बैटल जो है वो एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड लेट्स सी गाइस, TSM ने यहां पे स्पॉट करके रखा है टीम फ्यूचर स्टेशन के प्लेयर को। टीम फ्यूचर स्टेशन के ऊपर अभी के लिए जोन का डैमेज आ रहा है। दिस इज द TSM दैट वी नो गाइस। क्या बढ़िया अग्रेसिव गेम प्ले हमें देखने को मिलता हुआ। प्रबल दावेदार जरूर से रहने वाले हैं अगर हम बात करें विनर विनर चिकन डिनर की। बट लेट्स सी कि टीम फ्यूचर स्टेशन क्या यहां से टेबल स्टल कर पाएंगे। जाते जाते इमॉर्टल ने सौम्यराज को डाउन किया 8वें फेज का जोन। मेरे ख्याल से रिवाइवल इज समथिंग जो यहां पर बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड लेट्स सी गाइस हाउ इट्स गोना गो। इट्स अ 3v3v1v2 सिचुएशन जहां पर TSM अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अक्षित की बात करें तो he's the solo man 2v1 का सिनेरियो में देखने को मिलता हुआ। पहला मैच है गाइस ये लीग ऑफ स्टार्स का। 3 मैचेस आज खेले जाएंगे, 5 दिन का इवेंट। और क्या बेहतरीन जो शुरुआत है, जो आगाज है वो हमें देखने को मिलती हुई। पुकार ने अभी के लिए नियो को स्पॉट किया, बट नियो की साइड से स्प्रे आएंगे, कनेक्शन बनाएंगे। वंस अगेन जो ओपनिंग नॉक है वो आता हुआ TSM नियो की साइड से। और देखते ही देखते एलिमिनेशन टीम फ्यूचर स्टेशन का। जोनाथन डाउन जरूर हो जाएंगे। क्या रिवाइवल उनको मिल पाएगा वो एक देखने वाली बात रहेगी। अक्षित जो है इज द ओनली मैन दैट इज इनसाइड द सर्कल एंड दिस इज द डोमिनेशन ऑफ TSM एंटिटी। अक्षित इज द सोलो मैन स्टैंडिंग जो अभी के लिए हील बैटल करने के लिए जाएंगे। एंड TSM एंटिटी अब कम अप विद दैट विनर विनर चिकन डिनर। क्या बढ़िया स्ट्रांग ये परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता हुआ। अक्षत क्या अब यहां पे जाते जाते कुछ ट्विस्ट लाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर TSM जो है वो ये विनर विनर चिकन डिनर लेकर जाएंगे। बात करें नियो की, जोन के बाहर आ रहे शायद फाइट लेने के मूड में नजर आएंगे। और किल जो है वो सिक्योर होता हुआ TSM फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल। विनर विनर चिकन डिनर कमिंग अप फॉर TSM एंटिटी। 15 जो पोजीशन पॉइंट्स है वो उनके पास आ जाएंगे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ किल पॉइंट्स की बात करें गाइस तो थोड़ा सा यहां पर गिनना पड़ेगा। 14 किल पॉइंट्स और 15 पोजीशन पॉइंट्स के साथ TSM